शहरियों के जज्बात आपने देखे। अरकान असेंबली की बात करेंगे। कौमी और सिंध असेंबली के अरकान ने भारत के झूठे दावों के बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि वो मुल्क के लिए एक हैं और मुत्तहिद होकर भारत का मुकाबला करेंगे। वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और पूरी कौम भारत के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। उनका मजीद क्या कहना था ये जानते हैं। हमारा मुल्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंशाल्लाह हमारा फौज है हमारे साथ और वो उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक की इंडिया जुरत नहीं कर सकता, दैट इज़ एन एक्ट ऑफ वार। उससे जंग के शोले भड़क उठेंगे और उसका जवाब फिर पाकिस्तान जब देगा। हमने भी टारगेट आइडेंटिफाई किए हुए हैं, हमें भी पता है कि कहां कहां से ये आके पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर करते हैं। जब अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो पाकिस्तान एक स्ट्राइक के जवाब में इंशाल्लाह ताला पांच स्ट्राइक्स करेगा। मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि भारत को भी जिस अंदाज में वो बात कर रहा है, जिस लहजे में, जो एक्सेंट उसका बात करने का है, उससे भी इसी अंदाज में बात की जाए। इसका हल यही है। और इंडिया हमेशा से इस तरह की बिला जवाब कार्रवाइयाँ करता है और फिर हमारी तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो फिर वो वावेला करता है। और लेकिन हमारी अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है। बैनुल अक्वामी इदारे हैं, उनको रोल प्ले करना पड़ेगा। जब वो खुद कह रहे हैं कि हम अंदर जाके गए हैं तो इसका नोटिस कौन लेगा? उसका जवाब तो मेरा ख्याल है हमारी फौजी उनको देंगे ही देंगे, लेकिन उससे ज्यादा देखिए जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं होता। हमारी पाक अफवाज है वहाँ पर जो मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं। अगर उन्होंने इस तरह की कोई, दो लोग भी हमारे लिए बहुत कीमती हैं, अगर इस तरह की कोई करते हैं तो जवाब